सकते हैं। अभी देखिए आप लोग देख रहे हैं, मैं खेत से बाहर आ गया और मेरे पीछे देखिए कितना पत्ता है, हरा हरा पत्ता है। अगर आप लोगों को निपेयर कटिंग इस तरह का हरा खेत करना है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हमको, हम आपको होम डिलीवरी कर देंगे। चलिए होगा। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ ये तीन ही कटिंग निकला है और ये वाला हम अभी नहीं देंगे। देखिए ये पूरा कोमल है, ये पूरा कोमल है, ये आपके पास पहुंचते पहुंचते ये खराब हो जाएगा, तो हम ज्यादा कोमल वाला माल नहीं देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जो 4G नेपियर का जो कटिंग ही यहाँ पे रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, बी गौतम से मैं दीदार हुसैन, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग शायद सोच रहे होंगे दीदार भाई खेत के अंदर क्यों बैठा हुआ है। आज मैं दो चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक चीज तो दिखाने वाला हूँ और एक चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक नंबर है, क्या नेपियर घास का सीड्स होता है? देखिए बिल्कुल ही नहीं होता है, मैं बहुत सारा वीडियो में दिखा दिया हूँ और मेरा यूट्यूब में करीब 7-8 ऐसा वीडियो होगा जो मैं प्रूफ के साथ दिखा दिया कि नेपियर घास का कभी सीड्स होता नहीं है। वैसे तो एसामिस लैंग्वेज में है और शायद आप लोगों के एसामिस लैंग्वेज इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो इसके बारे में हम एक दो दिन बाद में एक और वीडियो अपलोड कर देंगे कि सीड्स होता है या नहीं हिंदी में, ठीक है। और दूसरा है कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि दीदार भाई कितना दिन बाद, यानी एक नेपियर को लगाने से कितने दिन के बाद उस नेपियर से कटिंग निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारा भाई लोगों का कमेंट में रहता है और फोन करके बोलता है कि दीदार भाई हम लोग जो बाहर से जो माल ऑर्डर करके लाते हैं लेकिन माल आते आते खराब हो जाता है या फिर लगाने के बाद छड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिये इसमें दो कारण हो सकता है। एक हो सकता है कि बहुत दिन बाद आपके पास पार्सल होता है, क्योंकि बहुत लोगों का पार्सल आपका देखिएगा 20-22 दिन ऐसा लग जाता है पार्सल आने में या फिर 15 दिन लग जाता है, उसके कारण हो सकता है। और दूसरी बात ऐसा है कि अगर आपका कटिंग मेच्योर नहीं है तो अभी ये दिखाई दे सकता है, अगर कटिंग मेच्योर नहीं है तो आते आते आपके पास खराब हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली मेरे पास जब मैं बाहर से नेपियर मंगाया था कर्नाटका से, जब पहली बार जब मंगाया था उस टाइम मेरा 11 दिन में पहुंचा था, लेकिन मेरा इतना खराब नहीं हुआ था, पकड़ लीजिए ना 100 में से 10 पीस ऐसा पकड़ लीजिए, थोड़ा खराब हो गया था लेकिन हो गया था, अच्छी तरह से खेत हो गया था। तो चलिए आप लोग को दिखा देते कि कितने दिन बाद काटना सही रहता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नेपियर कटिंग करके रखा है और आज एक मेरा ऑर्डर है नेपियर का 4G नेपियर का, तो इसलिए उसके लिए कटिंग हो रहा है। मैं बाहर में आपको आप लोगों को दिखाऊंगा जाके। और उसके बाद अभी देखिए नेपियर का जो पेड़ है कम से कम उसको 4 महीना होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कटिंग के लिए रख सकते हैं। यानी अगर आपको कटिंग करना है कि हाँ मेरा जमीन और है मैं उसमें लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कम से कम पेड़ को 4 महीना होना ही पड़ेगा, उसके ऊपर जितना दिन जाता है उतना अच्छा रहता है, ठीक है। अभी देखिए इधर में क्या है, इन सभी पेड़ का यहाँ पे जितने भी आप लोग नेपियर देख रहे हैं ये सभी नेपियर का आपका 4 महीने का ऊपर हो गया है, ठीक है, 4 महीना पकड़ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जब 4 महीना हो जाता है ना तब नीचे से पत्ता ये सूख जाता है, ठीक है, नीचे से जो पत्ता है ये सूख जाता है और सूखने के कारण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये भी पत्ता सूख गया और यहाँ पे देखिए पूरा व्हाइट हो गया है ना, ये पूरा व्हाइट हो जाता है और उसमें थोड़ा सा दरार आ जाता है 4G में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फट गया है ना, तो इसी तरह से कटिंग होता है। और ये अभी मेच्योर हो गया है तो इसको हम अभी कटिंग कर सकते, ये हमने हथियार एक ले लिया तो इसको अभी कटिंग करके आप लोगों को दिखा देता है। अभी मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए कटिंग इसका हो गया, ठीक है। तो ये कि मैं दिखा दे क्योंकि ये मैं बाएं हाथ से काट रहा हूँ और दाएं हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ, तो इधर में हो गया ये वाला एक हो गया, अभी मैं दाइना हाथ से काटता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये दोनों कटिंग कर लिया। और अभी इन सभी निपियर को बाहर लेके जाते हैं, चलिए इसको कांधे में ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए बाहर जाते हैं और बाहर कुछ कटिंग हो रहा है, आप लोग वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। अभी देखिए आप लोग देख रहे हैं मैं खेत से बाहर आ गया और मेरे पीछे देखिए कितना पत्ता है, हरा हरा पत्ता है। अगर आप लोगों को निपियर कटिंग इस तरह का हरा खेत करना है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हमको, हम आपको होम डिलीवरी कर देंगे। चलिए, और मैं पहुंच गया, ये मेरा छोटा भाई है और अभी इसको यहाँ पे रख दिया और देखिए किस तरीके से कटिंग किया जाता है। और ये मेरा छोटा भाई है और छोटा भाई कटिंग कर रहा है इसका, और हम सुबह से यहाँ पे हम लोग नेपियर का कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जो 4G नेपियर का जो कटिंग ही यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे उसका पत्ता यानी कटिंग करने के बाद जो पत्ता रहता है उसका हम रख देते साइड से, और इसको पैकेटिंग करके हम घर पे लेके जाएंगे यानी फार्म पे लेके जाएंगे, गाय है गाय को देंगे और साथ ही साथ बकरी भी है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देता एक अच्छा कटिंग कैसे निकाला जाता है। अभी देखिए ये वाला जो पेड़ है यहाँ पे देखिए कहाँ तक हम कटिंग रखते हैं, इसको काट के दिखा देना सभी को। अभी देखिए जहां तक मेच्योर रहेगा हम वहां तक ही लेंगे, क्योंकि अनमेच्योर जहाँ पे जो ज्यादा कोमल है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा कोमल देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ ये तीन ही कटिंग निकला है और ये वाला हम अभी नहीं देंगे। देखिए ये पूरा कोमल है, ये पूरा कोमल है, ये आपके पास पहुंचते पहुंचते ये खराब हो जाएगा, तो हम ज्यादा कोमल वाला माल नहीं देंगे आपको, ये अच्छा वाला कटिंग ही देंगे। चलिए इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं और इसको गिना जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे जितने भी कटिंग है ऑलरेडी गिना हुआ है, और ये जो ठहनी है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और ये पैकेटिंग करके हम गाय को दे देंगे। तो हमने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो में कि नेपियर ग्रास का कभी सीड्स नहीं होता है, और दूसरा कि कितना दिन बाद नेपियर को कटिंग किया जा सकता है, ताकि आपके पास अगर कभी नेपियर पहुंचे या फिर आपके पास है तो आप लोग सही सलामत उसको कटिंग कीजिए और उसके बाद खेत में लगाइए। देखिए ज़्यादा कम एज का जो नेपियर होता है उसको कभी कटिंग मत कीजिए, वो खराब हो जाएगा, कमोल रहता है। और आप लोग मेरे पीछे जो अभी नेपियर देख रहे हैं इसको अभी गिन के पैकेटिंग किया जाएगा और उसके बाद कस्टमर को भेज दिया जाएगा। तो आशा करते हैं अगर आप लोगों को कभी नेपियर कटिंग का जरूरत होगा तो आप लोग हमको ऑर्डर कर देंगे, तो हम आपको होम डिलीवरी कर देंगे। तो आज का वीडियो यही तक रहा, वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बोलिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।